कादर तू कादिर अजल जलाल मेरा, यानी मेरे ऐबों पर अल्लाह पर्दा डाल। तो आखिर 9 ज़िलहज को आपको मालूम हो गया कि अब मैं चला जाऊंगा, वरीय कामिल को मालूम हो जाता जाने वाला हूं तो कलमे का कालीमा का विरद शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वारिशा बेड़ा पार तेरा कलमा पाक जुबान ते आया ही। उनको यकीन हो, क्योंकि जिस हजूर फरमाते हैं कि आखिरी कालीमा नजा के वक्त जिसका आखिरी कालीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमा देगा, ये नबी की हदीस है। इसलिए आपको मैं गुर बता दूं, किसी दिन तन्हाई में बैठकर तहज्जुद के वक्त कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, या ये कहना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह, और ये कहने के बाद कहना है अल्लाह ये जुमला तेरे पास मेरी अमानत है, जब मैं दुनिया से जाने लगूं तो मुझे 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले, बल्कि आखिरी लम्हों में मुझे वापस दे देना। तो अल्लाह ताला किसी की अमानत नहीं रखता, अमानत में खयानत नहीं करता, वापस जरूर देगा। और आज मैं आप सबके सामने ये कहता हूं अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलिमात है अल्लाह मैं तेरे पास अमानत रख रहा हूं, जब मैं मरने लगूं तो आखिरी कलिमात यही मुझे वापस अता कर देना। मैंने बोला, आप लोग भी बोले, 9 ज़िलहज हुई तो आपके जुबान से कालीमा जारी हुआ।